سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا جاء بالغيب وجاء بقلب منيب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگو عزیز و دوستو غالباً تیسری مرتبہ آپ کے اس علاقہ میں حاضری ہوئی ہے اور دونوں تینوں مرتبہ جب مجھے دعوت دی گئی تو ہم نے آپس کے اندر یہی مشورہ یہی مذاکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑوس میں آنا چاہتے ہیں قریب اتنا ہے کہ سانس لینے میں دیر ہے اس تک پہنچنے میں اتنی بھی دیر نہیں قریب ہمارے اتنا ہے دونوں دانتوں کے درمیان روٹی کا نوالہ ہو اوپر والا دانت روٹی کے نوالے کو نیچے والے دانت میں نہیں لے کے آتا اللہ جل شانہ اس سے بھی زیادہ ہمارے حق دی قریب اتنا ہے کہ آنکھ کی دونوں پلکیں ان میں تو فاصلہ ہو سکتا ہے بندے اور رب کے درمیان اتنا بھی فاصلہ نہیں لیکن اتنا قریب ہونے کے باوجود وہ پھر بھی ہمارے پڑوس میں آنا چاہتا ہے دنیا کے اندر کوئی انسان مکان بناتا ہے وہ سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کرتا ہے ماحول کا اور چار پانچ چیزوں کو سامنے رکھ کر مکان کے لیے جگہ خریدتا ہے پہلی وہاں کا ماحول اچھا ہونا چاہیے ٹرانسپورٹ کا نظام بالکل قریب ہونا چاہیے بیمار ہو جائیں تو اسپتال ہونا چاہیے بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول ہونا چاہیے اور دوسرا تفریح کے لیے کوئی میدان یا کوئی پارک ہونا چاہیے اور ضرورت زندگی
दाल नमक कपड़ा लत्ता वो मार्केट भी वहाँ होनी चाहिए। हालांकि उलमा इकराम बैठे हैं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की हदीसे मुबारक पढ़ पढ़ कर आप हजरात को सुनाई, इनसे पूछिए मकान कहाँ लेना चाहिए, कहाँ बनाना चाहिए। फरमाया वहाँ मकान लो कि तुम्हारे घर और मस्जिद का फासला बहुत करीब। मकान ऐसी जगह लो जहाँ दीन का इदारा हो, मकान ऐसी जगह लो जहाँ कोई अल्लाह वाला मौजूद हो। गुज़िश्ता दौर में जिन महल्लों में अल्लाह वालों की घर हुआ करते थे उनकी चार गुना ज्यादा कीमत हुआ करती थी। या तो जब मकान लेंगे सबसे पहले वो ये देखेंगे कि दुनिया का साजो सामान, दुनिया की जिंदगी को राहत पहुंचाए, वो यहां से मिलता है कि नहीं मिलता। देहातों से शहर आने की वजह यही है कि बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और वो तालीमी मियार देहातों के अंदर नहीं, गांव देहात के अंदर, इसलिए शहर जा रहे हैं। अगर यही नीयत बदल जाती और कदम उठता कि मैं अपने बच्चों को आला से आला दीनी तालीम देने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, शेख उल हदीस बनाने के लिए ऐसी जगह जा रहा हूं जहां ये सारी नेमतें मैसर आए, तो उसका ये हिजरत करना भी उसके लिए कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में मग़फ़िरत का सबब बनता है। हमारे पर मेहनत करने वालों ने मेहनत ही ऐसी की और 74 साल से हमें रोटी कपड़े मकान का लालच दिया गया और ये कौम 74 साल से उसी रोटी कपड़े मकान के लालच में नारे लगा रही है। पॉलिसी वही है, काम वही है, लाइन वही है, 5 साल के बाद चेहरे बदलते हैं, मखलूक को फिर धोखा देते हैं, 5 साल के बाद फिर चेहरे बदलते हैं, मखलूक को फिर धोखा देते हैं। जलसों के अंदर बैठकर कसमें भी उठाएंगे, हाथ भी उठाएंगे, खत्म नबूवत के चौकीदार बनेंगे, निफाज शरीयत लेके आएंगे, अल्लाह वालों को आगे लेके आएंगे, यहां से निकलने की देर है फिर वही चाल भटंगी सी जो पहले थी वो अब भी है। आपको पता इज़राइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल हमारे पीछे, बाप माँ बहन भाई उस्ताद शागिर्द से पीर मुरीद से दूर होता है, मलकुल मौत हमारे से दूर नहीं, उसके इशारे और हुक्म के इंतजार में है। अगर उसने लिख दिया कि सेरा सर पे सजाओ माथे पर तो लेकर जाए, अगर लिख दिया कि टीका और झूमर और लाल जोड़ा पहन के बैठी हो लिख जाए। मोटरसाइकिल पर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गया और कहा मैं पूरे जब घंटी बजेगी 12:30 बजे लेने आ जाऊंगा। कितनी बच्चों ने तालीम हासिल कर ली, मौत आ गई, आज तक लेने के लिए नहीं आया। मुसाफिरों को नहीं छोड़ता, ये घोटकी के अंदर कितना बड़ा हादसा हुआ, दो ट्रेनों का आपस में मौत है, अटल जहां रहना कोई नहीं वहां के लिए क्या कुछ किया और जहां हमेशा रहना है वहां के लिए क्या किया। मैंने आपने हम सारे इस बात के मोहताज, हमने क्या किया जहां हमने रहना है हमेशा रहना। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कब्र अंधेरी घर है, रोशनी का इंतजाम करके आना। एहसास है कि कब्र सांप और बिच्छू का घर है। कोई क्या देना चाहे, मैं एक तकरीर में एक प्रोग्राम में गया तो एक आदमी नीचे बैठे थे, वहाँ भी तकरीबन 8वां 9वां साल है, मुझे मुसलसल जाते थे। जब मदरसे की जगह उन्होंने खरीदी, बड़े गड़े थे, पता कितने कितने फिट, उस वक्त गया अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से तो दस्तारबंदी में मुसलसल में जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ फ़कीर के हाथों के लगाए बूटे। तो मैं बयान कर रहा था, अल्लाह का शुक्र है कोई दिन नहीं ऐसा जाता जब मदरसे की तामीर के लिए
मस्जिद की तामीर के लिए फकीर का हिस्सा ना होता। अल्लाह पाक का बहुत ऐसा। बहुत प्यारी नैन है। कोई कहना कि मौलवी बन के करेगा क्या, हमारे से पूछिए। आज मैं सुबह अपने बच्चे को समझा रहा था, अल्लाह हाफिज है, तरावी में कुछ पढ़ा उसने। मैं कहता बेटे 2-3 साल है, मैं अपने बाप से लिखवाले में बावजूद बैठा, मैंने एक तरह थप्पड़ भी नहीं मारा, इंशाल्लाह ना मारा, बहुत पूछेगा एक आधी दवा कर, अगर नहीं मारा है सिर्फ 3-4 साल। किताब का कीड़ा बन जा, अल्लाह के कुरान को सीने से लगा ले, सारी जिंदगी बाप की तरह मौज करेगा। अगर ना किसी की दुकान का कूलर भरते हुए तुझे कहेगा ना ओए बर्फ पा दे, तो तेरे बाप को कब्र में बड़ी तकलीफ होगी। ठीक है ना, सिर्फ ये 2-4 साल, जितने तलबा बैठे सिर्फ 2-4 साल। अपने अपने इदारों से तुम आए, 2-3 बातों का मदरसे की रोटी की कभी उस पर उंगली ना उठाना। मदरसे के अंदर जो रोटी मिलती है, दाल दलिया, तुम तो कहते रोटी किनारा कच्चा खाना मजेदार में, मोहतमी से पूछो कितने लोगों की मिन्नत करके गंदम गर्मी के अंदर लगी है। पंखे के नीचे तुम्हें 24 घंटे बिठा रहा है, बिजली कोई नहीं, जनरेटर का इंतजाम कर, ईद पर तुम्हारे कपड़े तुम्हारे वजीफों की, ये को तुम्हारा बाप कर रहा। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो लबाज इतने बैठे, मदरसे की रोटी पे कभी उंगली ना उठा। एक कभी अपने उस्ताद की मार पर उस्ताद का गिला आता गुस्से में दिल में ना फॉलो। शहजादपुर के अंदर प्रोग्राम था, शेखुल हदीस साहब, मैंने हदीस पढ़ी नहीं सुनी, और वो मोहतबर शेखुल हदीस शहजादपुर के जामे हुसैनिया के, फरमाने लगे उस्ताद का डंडा तालीम के लिए जिस्म के जिस हिस्से पे लग जाता है उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। तीसरा, अल्लाह की मखलूक से कोशिश करना कि दुआ लो, बद दुआ से बचना, खावली अल्लाह की हो या किसी चोर डकैत की। यो ना कहना तेरी लगदी कोई नहीं, जब अल्लाह लगेगी तो उठेगा भी कोई। और तीन चीजों का और ख्याल करना सबके लिए, कभी कोशिश करना कि दस्तरखान पर हराम का लुकमा ना, कभी दस्तरखान पर हराम का लुकमा ना आए। अगर एक लुकमा भी दस्तरखान पर आ गया तो अल्लाह 3 नस्लों के गले में लानत के तौब डाल दे। औलाद, पोते, पड़पोते, 3 नस्लें, आलिम हाफिज जाहिर हो गया तो अमल करने वाला नहीं। आज घरों के अंदर जो बिगाड़ नहुस बक बक किल किल जो घरों में पड़ी, दिल नहीं करता घर में जाने को, मजा नहीं आता खाने में, सोने को सारी सारी रात करवटे, एसी रूम में सोता है नींद नहीं आ रही, हराम के लुकमे का असर है, घुमा कर रख दिया। और कोशिश करना हमेशा हाथ यूं हो, जिसका हाथ इस तरह हो गया अस्पताल से, थाने से, कचहरियों से, अल्लाह उसके पैसे को महफूज रखे। और देने में अमीर गरीब का, पतले मोटे का, बड़े छोटे का, काले गोरे का ख्याल न करना, साइल का हक है तेरे दरवाजे पर आए, देने में देर न करना, नहीं है तो उसको दुआ देना, उसकी मीन मेखे ना निकालना। जनाबे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दाबड़े में तसले में पानी इकट्ठा करके उसके अंदर अपनी घर के सिक्कों को दिरहम दिनार को धो रही है,
मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले आए और आपने फरमाया आयशा इन सिक्कों को धोना कैसा, कपड़े तो धोते देखा, चेहरा तो धोते देखा, घर का फर्श तो धोते देखा, ऐ आयशा मैंने पहली मर्तबा देखा कोई अपने सिक्कों को पानी से धो रहा है। जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सरकार का मुखड़ा मुबारक देखा और फरमाया चार या दो दिन पहले आपने मस्जिद नबवी में अपने सारे सहाबा को इकट्ठा किया था, मिंबर पर सारे के सारे करीब आ गए, आपने मिंबर पर बैठ के साथ फरमाया था ओ लोगो फकीर को कोई देता है उसके हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में आता है, कमली वाले इसलिए मैं अपने पैसों को धो रही हूँ ताकि मेरे घर का सदका खैरात अल्लाह के हाथ में जाए तो पाक साफ होकर जाए। या तो मस्जिद के अंदर नोट देंगे, मस्जिद के अंदर पैसा देंगे, अपने से तकलीफ नहीं हो रही, मेरा गला बड़ा ठंडा है, पौना घंटा घंटा तो मैं चाय कर रहा मुझे बताओ परवरदिगार आलम को आपके मेरे कपड़ों की कोई जरूरत है, वो भी 60 साल के पहने हुए, खुद ही तो कहते हो कि परवरदिगार आलम रोटी नहीं खाता, कपड़े नहीं पहनता, नहाता नहीं, मुंह नहीं धोता, लेकिन मेरे अजीज हो जब कहते हो इतनी ऊंची जात है, सबसे ऊंचा है, सबसे आली मर्तबा है, कायनात का मालिक है, जमीन आसमान का पैदा करने वाला, सूरज और चांद को रोशनी देने वाला, सितारों को जगमग देने वाला खालिक है कायनात, उसके खजाने में कोई कमी नहीं, फिर ईमानदारी से बताओ कि मैला कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा, टूटा हुआ जूता उसे देते आपको, मुझे क्यों शर्म नहीं आती है? कोई आपका रिश्तेदार आपके घर आ जाए, तुम्हारे घर के अंदर पानी पिलाने वाला गिलास नहीं तो मोहल्ले से लेके आओगे, कहोगे टूटे हुए गिलास में पिलाते शर्म आती है, प्लास्टिक के गिलास में पिलाते शर्म आती है, जब तू अपने रिश्तेदार को टूटे हुए बर्तन में नहीं देता तो परवरदिगार आलम को फटा हुआ कुर्ता क्यों देता है? जिस तरह बैंक के अंदर पैसा जमा हो रहा है इसी तरह तेरा कैश, तेरा कपड़ा, तेरा जूता मेरे अजीजों अल्लाह के खजाने में जमा हो रहा है, कयामत के दिन बुलाया जाएगा और कहेगा 70 साल तक खैरात करने वाले एक पलड़े के अंदर एक नमाज का सजदा डाल दो तो इसने छोड़ा था, और एक पलड़े के अंदर 70 साल का सदका खैरात, फटे पुराने कपड़े, टूटी जूती, रात की रोटी और रात का सालन डाल के तो लो, रब्बे काबा की कसम कायनात के पहाड़ पलड़े के अंदर रख दो, एक नमाज के सजदे की कीमत अदा नहीं हो सकेगी। खुदा का कुरान बयान करते करते बुढ़ापा आ गया, मेरे अजीजों जिस्म अब कमजोर होने लगा, अब मेरे अजीजों अब तबीयत के अंदर बेआरामी सी आने लगी, मेरे अजीजों यकीन जानो मैं आपसे अर्ज करके जा रहा हूँ और मेरी इस बात को कोई छोटा ना लेना, यकीन जानो मरने की देर है, परवरदिगार आलम के सामने खड़ा होना पड़ेगा, जब अल्लाह के सामने खड़े हो गए और अल्लाह ने फरमा दिया कि बता अपने बच्चों के लिए बाजार से क्या लेके गया था और मेरे लिए क्या लेके गया था, अल्लाह की इज्जत की कसम अगर उसने अपनी आंख की घूरी डाल दी तो मेरे पास तेरे पास जवाब कोई नहीं होगा। सुबह आप अपने बाजार में चले जाना फकीर के रूप में, अल्लाह अकबर, किसी रेड़ी पर किसी दुकान पे जाके खड़े होना और कहना यार अल्लाह के नाम पर दे, उस वक्त जब उसके पास गिराकी का रश हो, उस वक्त जब एक हाथ से फ्रूट तोड़ रहा हो और दूसरे हाथ से लाल रंग के नोट गिन रहा हो, उस वक्त आप उसको जाके कहना अल्लाह के नाम पर दे, ईमानदारी की बात है, तहज्जुद के वक्त मस्जिद को खोलने वाला और इसी तरीके से फजर की अजान देने वाला, मस्जिद में झाड़ू देने वाला, जब उसके पास का को करस हो और आप अल्लाह के नाम पर सवाल करना, आपको अंदाजा हो जाएगा तहज्जुद के वक्त मस्जिद खोलने वाले के दिल में अल्लाह की मोहब्बत क्या है।
वाली साहब 10 साल हो गए। जी क्या हुआ? 10 साल हो गए मैं रेडी लगाता हूँ। वाली साहब 10 साल हो गए मैं 5,000 में मस्जिद में देता हूँ लेकिन तनख्वाह नहीं लेता। अच्छा भी तू तो जन्नती रूह है, जन्नती आदमी है, अल्लाह मेरे बच्चों को तेरे जैसा बना दे। मैं ये दुआ करूँगा अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल के अंदर देखनी हो सुबह उसकी दुकान पर चले जाओ और जाके हाथ फैला के कहो कि अल्लाह के नाम पर दे। यकीन जानो ये तहज्जुद गुजार तुम्हें गालियाँ दे के तुम्हें सर ना झुका दे तो मेरा नाम बदल देना। दुकान पर चले जाओ और जाकर कह दो यार कल मेरी दिहाड़ी नहीं लगी थी, अल्लाह यार मेरी कल दिहाड़ी नहीं लगी थी, तेरी मेहरबानी 200 रुपए का नाश्ते का सामान दे दे, शाम को आऊंगा सारे पैसे तेरे अगले पिछले अदा करूंगा। ये तहज्जुद की अजाने दे, फजर की अजाने देने वाला और मस्जिद को 8 दिन के बाद धोने वाला कहेगा ना बाबा ना, नकद बड़े शौक से उधार अगले चौक से। क्या कहेगा? 10 बजे आना, 11 बजे आना, अभी मैंने बोनी नहीं की, अभी धंधा नहीं किया, मैं पहला ग्राहक उधार पे दे दूंगा तो सारे दिन के मेरे काम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ मेरा उम्मती सुबह जब कोई काम किया कर, करने से पहले अपने माल में से अल्लाह के नाम पर दे दिया कर, तेरे सारे दिन का काम अच्छा हो जाएगा। मस्जिदों के अंदर उलमाए किराम ने ऐलान किया और अच्छा ऐलान किया फलस्तीन से जारे मोहब्बत के लिए, अल्लाह अकबर इसराइलियों की को कौन छोड़ेगा? मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया, अल्लाह अकबर आपने भी हाथ खड़ा कर दिया। उनकी प्रोटेक्ट से कौन तौबा करता है, कौन उनका साबुन सरफ इस्तेमाल नहीं करेगा? आपने मैंने हाथ खड़ा कर दिया। भाई आज के रसूल तुम इतने हो कि तुमने टोटल पेट्रोल पंप से माम पेट्रोल नहीं डलवाया, और गुस्ताख है रसूल मेरे अजीज हो अपने गिरेबान के अंदर झाँक के देख लो, उस वक्त तक जुमे की नमाज नहीं पढ़ोगे जब तक कमली वाले की सुन्नत पे उसरा नहीं चला दोगे। परवरदिगार आलम ओ मेरे भाइयों तुम्हारे पेट्रोल की टंकी नहीं देखता, तुम्हारे चेहरे को देख रहा है। आज के रसूल तो इतने हो दंड मारक के वजीर आजम की तस्वीरें फर्श पर बनाकर ऊपर पांव रख के खड़े हो और गुस्ताखी कर रहे हो। हमाम के अंदर चले जाओ जुमा का दिन है, इतना रश दुकान पे लगा होगा कि बैठने की जगह नहीं होगी। अल्लाह अकबर, नबी की सुन्नत को सिबा करने वाले के पास खुदा की कसम 2 फर्ज जुमे की नमाज पढ़ने का वक्त ही नहीं होगा। सारे हजरात अकलमंद हो, सारे हजरात पढ़े लिखे हो, मुझे ईमानदारी से बताओ जिसने सुबह से लेकर दोपहर तक हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर 200 मरतबा उसरा चलाया, बताओ तो सही, उसे अपनी दुकान के दरवाजे पर खत्मे नबूवत जिंदाबाद नारा लगाने का हक किसने दिया है? हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बान दोस्तों, जिस जमीन पर नबूवत की तौहीन हो गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। बहुत बड़ी पकड़ में, बहुत मेरी माए बहने पर्दे के अंदर बैठी हैं, मैं गैरतमंद घराने से और गैरतमंद लोगों से मेरा वास्ता पड़ा। अल्लाह ना करे किसी मस्जिद के अंदर, अल्लाहु अकबर किसी मदरसे के अंदर, खुदा ना करे बदफेली हो जाए, पूरी मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया में तमाशा, आज तक किसी चर्च की, आज तक किसी बुतखाने की, आज तक किसी मंदिर की, आज तक गुरुद्वारे की भी खबर आई। डूब के मर जाना चाहिए मुसलमानों, तुम एक लाइक कमाने के लिए किस तरह कुरान की बेइज्जती, नबी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो, तुम्हें शर्म ही नहीं आती? तोड़ देना चाहिए था ऐसे मोबाइल को। अल्लाह अकबर, जिस मोबाइल की फेसबुक पे अल्लाह के घर की और कुरान मुकद्दस की तोहीन हो रही हो, आज लाइक ले ले। आज मेरा अज़ीज़ो लाइक ले ले, कल कयामत के दिन जब फरिश्ते जबड़ों में हाथ डाल के कब्र जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे, यकीन जानो तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा।
किसी ने पैसे नहीं दिए, उसकी नाक काटी जा रही है, उसके बाल मुंडे जा रहे हैं। मेरे अजीजो, मोटरसाइकिल का तनाजा मोबाइल पे देख लो। मेरे अजीजो, बेटी का तनाजा तक मोबाइल पे देख लो। भाइयों की लड़ाई मेरे अजीजो मोबाइल की फेसबुक के पे देख लो। मियां बीवी का झगड़ा देख लो। अंदर के घर के अंदर जो करतूत हो रहे सारे के सारे फेसबुक के ऊपर देख लो। डूब के मरने का मकाम है मेरे लिए भी, और आप लोग तो हैं सारे जुनेद बगदादी की औलाद। मुझे ईमानदारी से बताओ, आज तक अमेरिका का, बर्तानिया का, हिंदुस्तान का ऐसा अगर शायद कोई आया हो, ऐसा क्लिप नहीं आया, शायद मेरे अजीज हो कोई आया हो, लेकिन खुदाए पाक की कसम हमें नहीं मिला चीदा चीदा। लेकिन सुबह जब से पहले यूं करके फेसबुक खोलो, जब से पहले यूट्यूब खोलो, सबसे पहले किसी के कपड़े उतरते नजर आएंगे या कोई जलील होता नजर आएगा। ओए मेरे अजीज हो, ईमानदारी से बताओ, खत्म नबूवत के सदके से दावत तबलीग का काम आपके मेरे कंधे पे डाला गया। मुझे ईमानदारी से बताओ, तेरे मेरे करतूतों को देख कर काफिर कलमा पड़ेगा या तेरे मेरे मुंह के ऊपर थूकेगा? फिर कह रहे हो हमारे से कौन सा कसूर हुआ, कोरोना वायरस नहीं जा रहा। अरे खुदा के वास्ते हमारे से कौन सा नहीं कसूर हुआ जो कोरोना वायरस नहीं जा रहा। एक हुआ करती थी चोरी, अल्लाह अकबर, उस चोरी पर माफी मांगा करते थे, अल्लाह जल्ला शानू राहत वाली जिंदगी दिया करता था। अब चोरी चोरी करने के बाद सीना जोरी, पूरे मजमे में से कोई अपने आप कसूर हुआ ठहराने को अपने आप को तैयार नहीं। उनने किया, उनने किया, उनने किया, हाँ हाँ, तो सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहा। रमजान उल मुबारक का महीना, मेहमान है, मैं मेहमान बन के तेरे घर में रहा। अल्लाह अकबर, तुझे इस महीने को, इस मेहमान का तुझे इकराम करने की तौफीक कोई नहीं, और तुझे शर्म ही नहीं आई, तो ईद वाले दिन में कपड़े पहन के खुदा के घर में क्यों आ गया? ईद वाले दिन भी फजर की नमाज नहीं पढ़ी, और बताते क्यों नहीं, और बताते होंगे उलमा इकराम, ईद वाले दिन भी मेरे अज़ीज़ो नमाज फजर की नहीं पढ़ी, ईद पढ़ने आ गया। और हर अब ईद उल अज़हा के मौका पर हर मिंबर पर बैठने वाला खुतबा दे, और खुतबा दे के ओए खुदा के बंदो, तुम ईद नफिल पढ़ने आए हो, पहले फर्ज पढ़ो तब नफिल अदा होगा। अगर फर्ज नहीं पढ़ा और कजा करके भी नहीं पढ़ा तो ये नफिल तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। कितना हल्का सा मुंह करके कह देते हो, सुनना तो है, नाराज ना होना उलमा इकराम, अवाम की बात नहीं करता और उलमा इकराम के बारे में बदगुमानी नहीं लेके आता। मुझे पता है ये घर में सुन्नत पढ़ के आते होंगे, लेकिन ईमानदारी से बताओ, अक्सर मस्जिद के अंदर नाराज ना होना मैं ऐब नहीं उछाल रहा, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने वाला भी ईशा की सुन्नत नहीं पढ़ता, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने वाला भी असर की सुन्नत नहीं पढ़ता, सलाम फेरेगा ऐसा लगता है जैसे मुसल्ले पे नहीं आग के अंगारों पर बैठा हुआ है। दो सुन्नत तीन मीतर पढ़ के वो जा नमाजी मुंह तकते रहते हैं। कम से कम इशा की नमाज के बाद इमाम साहब नमाज से फारिग होकर आधा घंटा बैठकर अपने सारे नमाजियों को इकट्ठा करके मेरे अजीजों सौ सौ मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ाता, एक एक मसला नमाज का सिखाता, रब्बे काबा की कसम है नमाज का मसला सीखता, खुदा की रहमतें बरसने लग जाती और दुरूद शरीफ का सौ मरतबा नजर आना जाता। गुंबदे खजरा से तेरे मेरे लिए इस दुरूद की बरकत से आपके और मेरे लिए गुंबदे खजरा से सलाम आ जाता। पढ़ लो तो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं, शरीयत में गुंजाइश है जी। नाराज तो नहीं हो रहे? अगर बोर हो रहे तो कुछ और वाक्य शुरू कर दो। नाराज तो नहीं? अगली बात को नाराज तो नहीं हो? पूछो खैरपुर टामा वाली से, लेकिन अभी जामी साहब अभी बैठे होंगे, गई नहीं होंगे, इनसे पूछो मस्जिद के अंदर इस्तंजा खाने बने, वजू खाने बने, क्या मेरे लिए बने? सारी रात अल्लाह की नाफरमानी करके सो गया और सुबह इस मस्जिद के अंदर पेशाब पखाना करके बाथरूम में चला गया और नहा के दुकान के ऊपर चला गया। बताओ खुदा पाक की कसम है, अगर हमाम पर नहाने जाओ 50 रुपये लेता है, तो क्या अल्लाह के घर के अंदर
अभी मैं जाहिर पीर के अंदर परसों तरसों मेरी तबीयत भी काफी खराब हो गई, गाड़ी हीट अप हो गई, ऐसी ने काम करना छोड़ दिया। हम एक मदरसे के अंदर दीनपुर की बस्ती में एक मदरसे के अंदर गए, डुबल चल रहा था। मैंने ड्राइवर से कहा, मैंने कहा जल्दी कर दो तीन कैन पानी के डाल ले। ड्राइवर ने पानी डाले, गाड़ी ठंडी हो गई, गाड़ी चलाने लगा। मैंने 200-300 रुपया पता नहीं कितने थे मैंने निकाल के फौरन अली साहब को दिए। इनका मदरसे के चंदे के अंदर जमा कर दो, ये पानी मेरे बाप का कोई नहीं। और मेरे अजीजों, किसी के घर पानी का सिस्टम खराब हो जाए, साथ वाला कहता है यार मुझे थोड़ी देर के लिए पाइप दे दे, 5 मिनट पाइप चलाने के बाद मोटर खुद ब खुद बंद कर देगा, कहता किराया आंदा है। और तुझे अपने किराए का ख्याल है, अल्लाह की चीजें जो भेजा इस्तेमाल करके शुक्र अदा नहीं करता, उसका ख्याल कोई नहीं। मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों, वजू करने वालों, मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों, पंखों के नीचे खड़ो के ठंडी हवा लेने वालों, इस नियत से या अल्लाह मैंने 5 नमाजों में तेरे घर के अंदर हाजिरी दी और नमाज पढ़ के मैंने पंखों की ठंडी हवा ली। या अल्लाह कमरे के अंदर अगर 2 पंखे चले हो तो बाप बंद करने में देर नहीं करता, बीवी को एयर कूलर चलाए और ऊपर वाला पंखा चलाए, बिल दिखाता, देखा पिछला बिल कितना आया था, वो कूलर बंद करने में देर नहीं करता। और तुझे अपने घर के बिल का तो ख्याल है, अल्लाह के घर का ख्याल कोई नहीं। और मेरे चांद मेरे प्यारे, अगर 5 नमाजें पढ़ता है गिरा सिरा 10-20 रुपए मस्जिद के गल्ले में डाल के चला जाए कर, और कहकर या अल्लाह आज मैंने 2 घंटे तेरे घर की बिजली इस्तेमाल की, परवरदिगार आलम कयामत के दिन इसके बारे में मेरे से सवाल कोई ना करना, मैं ओका सोका था, अपनी औकात के मुताबिक परवरदिगार आलम तुझे दे कर चला गया। या अल्लाह मेरी औकात इतनी लेकिन तेरी शान इतनी कोई नहीं है, अल्लाह तो मेरी औकात को देखकर इन 20 रुपए को अपनी शायान साल कबूल फरमा ले। ये बातें अंदर तब असर करेंगी, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, जब दिल हमारा चमकता होगा। जरा झांक के देखो कितना गंद है, कारोबार की डस्ट, गांव से शहर में मकान बनाना है उसका गंद, खाद हमने उधार पर सूद पर लेके हमने खेतों में डाली उसका गंद, 6 महीने के उधार पे गंदम बेच दी, इस वक्त इतना रेट है, 6 महीने के बाद इस तरह पैसे वापस मिलेंगे उसका गंद। मुझे ईमानदारी से बताओ, फिर मस्जिद के अंदर बैठकर कुरान का कहां असर होगा? 27 रात को हो करके आंसू निकालेंगे, आंखों पर तो असर होगा, दिल पर असर नहीं होगा। मेरे अजीजो, अल्लाह अकबर, 27 रात हो, रमजानुल मुबारक का महीना हो, सलात व तस्बीहा भी पढ़ रहे हो, जिक्र भी कर रहे हो, रो रो के चीखे मार मार के दुआएं भी कर रहे हो, और नमाज के बाद रो के कह रहे हो मेरी जुत्ती कौन लेके चला गया, कौन लेके चला गया। और जब 100 रुपए की जुत्ती पर ईमान बिक गया तो जन्नत के पर ये तुझे ईमान कैसे लेके जाएगा? खुदा के वास्ते मेरे भाई, घर जवानी तो बकर दम शेलाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरु जालिमी शब्द परहेजगार, भेड़िया भी मेरे अजीजो चीर पाड़ करते करते थक जाता है, ये कैसा इंसान नुमा भेड़िया है, गुना करते करते थकता कोई नहीं। अल्लाह अकबर, मौत के मुंह में जा रहा है, ऐसा बेडरूम अस्पताल में बुक कराया हुआ जिसके अंदर 56 इंच की स्क्रीन लगी हुई। मुझे ईमानदारी से बताओ, सांसें निकल रही, उधर गाने की आवाज कान में, उधर मलकुल मौत ने हलक के अंदर हाथ दे रखा है। मुझे बताओ, इस रूह के टोटे को गाने की आवाजों में मलकुल मौत सिज्जीन में लेके जाएगा, इल्लियीन में लेके जाएगा? हाल ही में कराची में एक सेठ साहब का इंतकाल हुआ, बेटा जनाजा पढ़ने के लिए आया, बाहर था, जनाजे की सबसे निकला पर आकर इमाम साहब के कान में पूछा, लोग कहने लगे, लोग समझे कि ये क्या होगा, जिसने मेरे बाप से कुछ लेना है ले ले, मेरे बाप के दफनाने के बाद मैं बाहर से आया, देने के लिए तैयार हूँ। देखा मौली साहब रो रहे थे और रोते रोते कहा, 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज कफाया, नियत बंधवाई, सलाम फेरा, एक खास मुक्तदी आया, काजरची क्या बात है, ना कोई ऐलान, बेटा कान में कह के रो रहा था, तो जनाजा पढ़ाते रो रहा था। अल्लाहु अकबर, उस खास दोस्त को वली साहब ने बतलाया, ये बेटा कहता है दुनिया की डिग्री मेरे पास में शुमार है लेकिन मुझे बाप के जनाजे की दुआ ही नहीं आती है।
और ये सिर्फ उस एक बेटे का हाल नहीं, पता नहीं कितने बेटे यहां बैठे हुए हैं। मोबाइल की मेरे अजीजों सिस्टम आगे पीछे हो जाए, 2 साल का बच्चा 3 का ठीक कर देगा, अल्लाह अकबर। और दीन का सिस्टम बिल्कुल ही मेरे अजीजों बिगड़ गया, 70 साल का बूढ़ा कहता है मुझे कलमा ही नहीं आ रहा है। ऐसी ऐसी कार गुजारिए, 50-60 साल की उम्र का बाबा कहता नमाज पढ़ने को दिल ही नहीं करता। मन खशियर रहमान बिल गैबी वजा बिकल्ब मुनीबिन दुखुलुहा बिसलाम ज़ालिक यौमुल खुलूद। चलो हुम्मा यशाऊन फीहा वलदैना मज़ीद। ऐसी नेमतों की तरफ जा, घाटा कोई नहीं। 2 किलो आम लेके आया, अल्लाह का नाम रख दिए, कहता एक एक पूरा आएगा। अल्लाह फरमाते हैं एक एक को छोड़, ऐसे आमों वाले बाग की तरफ, खजूरों वाले, अंगूरों वाले, सेब वाले, मेवों वाले बाग की तरफ क्यों ना ले जाऊं। दिल में ख्याल आएगा टहनी समेत फ्रूट तेरे पास आ जाएगा और तोड़ के खाएगा। हर लुकमे पर, हर चक मारने पर, हर बुरकी लेने पर जायका बदलता जाएगा, रंग बदलता जाएगा। एक एक फल को कहीं कहीं साल खाता रहेगा। जब तू खाएगा दुनिया के अंदर, बच्चा लुकमा खाता है, रोटी चबाता है, दूध पीता है, कस्टर्ड दलिया खाता है। अम्मा कहती पुत्र किस तरह का बनया, कैसा है? कहता अम्मा बड़ा अच्छा बना। कयामत का दिन होगा जन्नत में जब खाएगा तो अल्लाह फरमाएंगे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसा बना। और पूछने वाला खुदा हो, मुस्कुराने वाला मुस्तफा हो, और जगह जन्नत की हो और नेमत जन्नत की हो। मेरे अजीजो सारी फिर अल्लाह फरमाए ऐसी नेमतों को छोड़ के दुनिया क्यों मांग रहे हो, झोली फैला के वो नेमत क्यों नहीं मांगते हो। या अल्लाह पुत्र दे दे, या अल्लाह ऐ वाला किला दे दे, या अल्लाह मकान मैनू दे दे। अल्लाह फरमाता है औका मौकाता, तेरी औकात है जो तू मेरे से मांग रहा है। सुन, पैदा करने से पहले कितनी रोटी बुढ़ापे तक खाएगा, मौत तक सारे का सारा मैंने देने का वादा कर लिया, कितने कपड़े पहनेगा देने का वादा कर लिया, कौन कौन सी ब्रांड का कंपनी का जूता पहनने का वादा कर लिया, मेरे बंदे मकान का वादा, रिजक का वादा, हर चीज का तेरे से वादा कर लिया, तुझे शर्म ही नहीं आती, फिर ये चीजें मेरे से क्यों मांगता है? क्या मेरे पे तुझे एतबार कोई नहीं? और तू तो सिर्फ एक इंसान है जिसके पास दुकान है, हजारों की तादाद में मेरी मखलूक है, न उनके पास फैक्ट्री, न उनके पास मकान, न उनके पास मिल, न उनके पास कारखाना, न उनके पास रकबा, लेकिन मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, बुलबुल के बच्चे से लेकर शेर तक को रोजाना भूखा उठाता हूँ, लेकिन भूखा सुलाता कोई नहीं। तू तो मेरी किबरियाई के फलेरे बुलंद करता है, तू तो मेरे नबी की नबूवत का दम भरता है, और मुझे बता मेरी गैरत कैसे गवारा करेगी कि तुझे 2 रोटियों के बगैर ही तुझे भूखा सुला दो। या अल्लाह मकान मांगने से, रिजक मांगने से, कपड़ा मांगने से, जूता मांगने से, रोजी मांगने से, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह जी, आपने मुझे मना कर दिया तो फिर मैं तेरे से क्या मांगो। अल्लाह फरमाते हैं मांगो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। तो अपने बच्चे के लिए दुकानदारी मांग रहे हैं, तेरे बच्चे को तो अल्लाह ने दुनिया का इमाम बनाने का फैसला किया है। बेटे के लिए 14वां ग्रेड ना मांग, बल्कि अपनी आंखों की ठंडक मांग। कुर्रतायुन हबलना मिन अज़वाजिना, हाथ उठा अपनी बीवी के लिए, और वह ज़ुर्रियातिना, ऐ अल्लाह मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना दे, मेरे लिए जहर का लुकमा ना बना। मुझे ईमानदारी से बताओ, जो अल्लाह का नहीं बना मखलूक उसकी कैसे बनेगी, जो अल्लाह के हबीब का नहीं बना मखलूक उसकी कैसे बनेगी। अल्लाह फरमाते रोटी कपड़ा मकान न मांग, अपने घर का मेरे से सुकून मांग, औलाद को अपनी आंखों की ठंडक मांग, और ऐसी कामिल औलाद मांग जो क़यामत के दिन तेरा हाथ पकड़ के जन्नत की चौखट तुझे पार करा के आ जाए।
अखबार पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, हदीस पढ़ने वाला, कपड़ा बेचने वाला, जूता गांठने वाला कह रहा है अल्लाह करे कोई सलाहुद्दीन अयूबी आ जाए, कहता जी कोई उमर बिन अब्दुल अजीज आ जाए, अल्लाह अकबर, कोई कहता अल्लाह करे जी अब कोई ऐसा वली आ जाए, आज कोई इस्लामी फौज का लश्कर आ जाए, आज कोई सहाबी आ जाए, आज कोई ताबी आ जाए, आज कोई वली अल्लाह आ जाए, काफरों के दांत खट्टे कर दे। तो चूरी खाने आया, तो रोटी खाने आया, करवटे बदल के बिस्तर पे खराटे मारने के लिए आया, अल्लाह अकबर। किल को वोट देकर तुम इक्तदार की कुर्सी पे लेके आए हो, जिन्हें अपना ही नहीं पता कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। आ मेरे अजीजा चल, कहां दमिश्क के अंदर चलते हैं, कहां चलें, चल शाम के अंदर चलते हैं। कौन है? इराक से एक औरत आई हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दरवाजे पर, और घर के अंदर आई, दरवाजे का पर्दा फटा हुआ, पेवंद लगे हुए, दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ, दरवाजा एक छोटा एक बड़ा, लकड़ियों उसकी उखड़ी हुई, और घर आई एक औरत बर्तनों को मिट्टी लगा के बैठी हुई है, उसके पास धोने के लिए पानी को ही नहीं, हाथ भी उसके गारे में मिट्टी में भरे पड़े। इतने में एक गुदड़ी पोश आया, पेवंद कपड़ों पे लगे हुए, पैर के अंदर जूता टूटा हुआ, उसको धागे से बांध रखा है। कहने लगी इतनी देर क्यों कर दी, आपको पता नहीं ये पानी भरने का वक्त था, अब पानी भरे में बर्तन धो। वो पानी का डोल लेके सामने कुएं पे गए और पानी बर्तन का पानी भर के लाए, अल्लाह अकबर, घर वाली ने बर्तन धोए। वो कहने लगी बीबी मैं कब से तेरे घर में बैठी हूँ, मैं जब यहाँ आई थी इराक से तो मुझे कहा था अमीरुल मोमिनीन का घर सामने है, मुझे तो लगता है अमीरुल मोमिनीन के नौकरों का घर है, कमियों का घर है, अल्लाह अकबर, तू बर्तन धो रही, मुझे बता ये पानी लाने वाला कौन है, ये बर्तन धोने वाली कौन है। बर्तन धोने वाली के हंजू आंखों में आ गए, रोने लगी, कहने लगी मैं अमीरुल मोमिनीन की घर वाली, और डोल पानी का लाने वाला ये उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन है। इराक से आने वाली औरत रोने लग गई, कह लगी मैं तो अपनी जरूरत के लिए इसके पास आई थी, अल्लाह अकबर, जिसके पास बगैर पेवंद के कुर्ता ही कोई नहीं वो मेरी जरूरत पूरी क्या करेगा। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने फरमाया बीबी ये मेरे घर का हाल है, अल्लाह ने मुझे मखलूक पर मुअय्यन किया, मुझे बता क्या जरूरत है। कह लगे अमीरुल मोमिनीन चार मेरी बच्चियां हैं, चार मेरी बच्चियां, शौहर मेरा फौत हो गया, अमीरुल मोमिनीन घर में फाका है, मजबूर होकर दास्तान घर की लेके तेरे दरवाजे पर आई। अमीरुल मोमिनीन वहीं बैठ गया, आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके ऐसे रोया जैसे बच्चा रोया करता है, कि अल्लाह माफ कर देना, अल्लाह माफ कर देना, अल्लाह माफ कर देना। जब बार बार माफी मांग रहे थे, औरत कहने लगी मैंने तुझे गुनाह करते देखा कोई नहीं, माफी क्यों मांग रहा है, कि मेरी सल्तनत में चार यतीम बच्चियों ने कितने दिन से खाना नहीं खाया, मुझे हाकिम बनने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने कयामत के दिन पूछ लिया उमर बिन अब्दुल अजीज तेरी सल्तनत में यतीम बच्चियां चार दिन भूखी रही, तूने क्या किया बता क्या जवाब दूंगा। पहले भाइयों से माफी मांगी, फिर बच्चियों से माफी मांगी, वजीर बैतुल माल को बुलाया कि इनका एक एक महीने का खर्चा 1,000 दिरहम मुकर्रर कर दिया जाए। बड़ी बेटी का 1,000 उन्हें झोली फैलाई, कहने लगी या अल्लाह तेरा शुक्र है, का छोटी बेटी का 1,000 या अल्लाह तेरा शुक्र है, तीसरी के लिए का, तीसरी बेटी का 1,000 का अमीरुल मोमिनीन अल्लाह तेरा भला करे। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया चौथी बेटी को कुछ नहीं दूंगा। वो कह लगी अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ, अल्लाह अकबर, दो बेटियों पर तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, तीसरी बेटी के देने पर तू मेरा शुक्रिया अदा करने लगी, जब मैं शामिल हो गया अल्लाह की मोहब्बत तेरे मेरे दिल से निकल गई, इनको कहना आपस में बांट के खा लो। कह लगी अमीरुल मोमिनीन अल्लाह अकबर ये कब तक चलेगा, जिस तरह की जिंदगी तू गुजार रहे, पेट में रोटी कोई नहीं, पैर में जुत्ती कोई नहीं, क्या पता अगली सांस भी ले सके ना ले सके, तेरे बात क्या करूं। कागज कलम उगवाया और इराक के आपने गवर्नर को लिख के दे दिया कि मेरे बाद भी इन बच्चियों का 1,000 तुमने बरकरार रखना है। इराक का गवर्नर रोने लग गया, कह लगे भी तुझे अपनी गारंटी कोई नहीं तो मेरी गारंटी तू कहां से दे रहा है।
फतेहबा बिल मुस्लिम ने मेरे अजीजों समरकंद फतह कर लिया। जंगी उसूल है, पहले कलमे की दावत दी जाती है, फिर जिजिया तमाल मांगा जाता है कि जिजिया दो, फिर तीसरा मेरे अजीजों कहा जाता है इस दिन तुम्हारे से मिट भीड़ होगी, इस दिन तुम्हारे से लड़ने के लिए आएंगे, तैयार रहना, फिर तलवारें आपस में चलेंगी। ईसाई पादरी ने अपने चेले से एक खत लिखवाया और वह खत मेरे अजीजों अल्लाह अकबर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज के पास भेजा कि तेरी फौज के सलार ने समरकंद पे हमला कर दिया, और हमला करने के बाद न उसने हमारे से जिजिया मांगा, न कलमे की दावत दी, न जंग का टाइम टेबल दिया, अचानक हमला किया, हमारे बच्चे बेखबर थे, हमारी औरतें बेखबर थी, हमारे मुल्क पे हमला करके हमारा सारा माल कब्जे में ले लिया और इस्लामी रियासत का झंडा, फतह का झंडा हमारे मुल्क सरदों पे गाड़ दिया। ये कुरान के खिलाफ किया, अपने सलार से पूछ उसने हमारे साथ क्यों किया। अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों, उमर बिन अब्दुल अजीज के पास जब वो ईसाई पादरी का नौजवान आ वो पैगाम लेकर आया और आकर कहने लगा, दुरूद शरीफ पढ़ो अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आकर कहने लगा अल्लाहु अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है। अल्लाहु गनी, अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है। चार नौजवान खड़े थे यतीन, उन्होंने इशारा किया इस गली के अंदर चला जा, आगे चौक में ऐसे मुड़ियो फिर ऐसे मुड़ जाना, तुझे अमीरुल मोमिनीन का घर नजर आ जाएगा। अल्लाह अल्लाहु गनी, दुरूद शरीफ पढ़ लो अल्लाहु सल्लम। चलो चलो कोई नहीं, चलेगा। अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है, सामने गली में। जो निशान बताया था, जो निशानी बताई थी, टूटी हुई सीढ़ी दीवार के साथ लगी हुई है, एक औरत जमीन पर गारा बना रही है, तसले में गारा, सीढ़ियों पर चढ़ने वाले बुजुर्ग को पकड़ा रही है, उसके पास मेरे अजीजो गारा लगाने वाले लाती कोई नहीं, मुठियां गारे की भर भर के छत की लपाई कर रहा है, परेशान, मुठिया घारे की भर के छत की लपाई कर रहा है परेशान। ये मंदिर देख के वापिस गया और जाकर उन मंचलों से नौजवानों से कहा, कहने लगा मैंने जकात लेने वाले का घर नहीं पूछा, मैंने अमीरुल मोमिनीन का घर पूछा है। कहने लगे हमने भी जकात देने वाले का घर नहीं बताया, हमने भी उमर बिन अब्दुल अजीज का घर बताया है, जिसके दाबड़े में सुराख और खुद लिपाई कर रहा है कि बारिश की वजह से छत टपक रही है। दौड़ा गया अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज, मैं तेरा खादिम हूँ, किस लिए आए हो। समरकंद के ऊपर तुम्हारे मुसलमानों ने हमला कर दिया और उन्होंने हमारे पर, हमारी सल्तनत पर, हमारे माल पे कब्जा कर लिया, न जिजिया मांगा, न जंग का ऐलान किया, न कलमे की दावत दी, हमें तेरे सलार फतेहबा बिन मुस्लिम से शिकायत है। अमीरुल मोमिनीन नीचे उतरे, खत देखा, गारे में हाथ भरे हुए थे, खत देखा, कलम निकाला और उसी खत के पिछली तरफ गारे से, गारे के हाथों से लिख दिया, फतेहबा बिन मुस्लिम को हुक्म है कि अपने लिए काजी मुकर्रर करे और अवाम को कटहरे में बुलाए और वो काजी से कहें कि हमें हमारे सिपा सलार से शिकायत है, फिर सिपा सलार उनका जवाब दे वरना गवर्नर से माजूल। वो खत ले कर जाता है, हंसता जाता है। अल्लाह अकबर, अपने देश समरकंद में गया और जाके ईसाई पादरी से कहने लगा गलती हो गई। अल्लाह अकबर, लगता है अमीरुल मोमिनीन के पास नहीं गए, ज़कात लेने वाले के पास गए। उसने कहा क्या हुआ। कहा देख खत की हालत हमारे साफ, कागज को गारे की उंगलियां लगा दी, कर क्या रहा था, छत की लपाई कर रहा था, क्या लिखा। अतहबा में मुस्लिम को कहो कि अपने लिए काजी मुकर्रर करे। चलो जाके मजाक ही बढ़ जाएगा। गए सिपा सलार का दरवाजा बजाया, कौन,
فتح باب المسلم کون اللہ اکبر عیسائی پادری آئے جن پر تو نے اچانک حملہ کیا کس لیے آئے ہو دیکھ تیرے امیر المؤمنین کا پیغام لے کے آئے خط دیکھا رونے لگ گیا تھر تھر کانپنے لگ گیا اور اپنی جماعت میں سے قاضی مقرر کیا اور پورے سمرقند کے اندر اعلان کیا صرف سلار سے جسے شکایت ہے آ جاؤ اپنی عرضیاں قاضی کو پیش کرے پورا سمرقند امنڈ آیا پوری قوم آ گئی اور آ کے کہنے لگے اسی پر سلار نے ہمارے سے زیادتی کی کلمے کی دعوت نہیں دی جزیہ توہان نہیں مانگا اچانک اس نے ہمارے پر حملہ کر دیا قاضی صاحب کہنے لگے صحیح کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اس نے پاسا پڑتا کہنے لگا جی جنگ تو ہے یہ ایک دھوکہ پاسا پلٹنے میں کیا دیر لگتی ہے قاضی کہنے لگا جو تیرے سے پوچھا وہ بتا کہنے لگا آس پاس کے علاقوں میں پہلے ہم نے کلمے کی دعوت دی پھر جزیہ مانگا نہ کلمے کی دعوت قبول کی نہ کسی نے ہمارے سے جزیہ قبول کیا بلکہ تلواریں لے کے ہمارے سامنے آ گئے جب چھوٹے چھوٹے گوٹ بیراڑی والے چپوک والے اپنے گاؤں پہ قبضہ نہیں دیتے تو سمرقند تو میواؤں اور میوات کا سمرقند تو میووں کا شہر ہے یہاں والے کیوں کر ہمیں قبضہ دیں گے اللہ اکبر قاضی صاحب کہنے لگے تو نے اپنا اعتراف جرم قبول کیا قاضی پھر سنو پوری عیسائیت قوم کے سامنے مسلمان اسلامی لشکر کے سامنے قاضی صاحب نے فیصلہ لکھا کہ مسلمان سلار نے کہ جو علاقہ فتح کیا رسول اللہ کے عمل کے خلاف کیا ہے یہ علاقہ مسلمانوں کو چاہیے مغرب کی نماز سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے یہ علاقہ خالی کر دو خبردار یہ قاضی کا فیصلہ ہے شہر خالی کر دو ان کے مال ڈھور مویشی چھوڑ دو تم نے مغرب کی نماز جو سرحد کے پار جا کے پڑھنی ہے اللہ اکبر قاضی کے اعلان سے ہلچل مچ گئی اسلامی فتح کے جھنڈے اکھاڑ لیے گئے خیمے اکھاڑ لیے گئے ان کی سواریاں اسلحہ واپس کر دیا گیا ان کا مال راشن واپس کر دیا جب شام ہوئی پورا سمرقند مسلمانوں کی فوج سے خالی ہو گیا عیسائی پادری چیخے مار مار کے رونے لگا عورتیں روتی ہوئی اپنے بچوں کو لے کے باہر آ گئی بچے دھاڑے مارتے مارتے باہر آ گئے جیسے کوئی گمشدہ چیز تلاش کرتے ہو جس طرح اولاد کو ماں باپ تلاش کرتے ہو اس طرح پوری عیسائی کو مسلمانوں کے لشکر کو تلاش کرنے لگ گئی کہنے لگی اللہ اکبر بڑی بڑی دنیا کے فاتح دیکھے محمد کے غلاموں جیسے غلام نہیں دیکھے کہاں چلے گئے یہ تمہارے علاقے میں آئے گئے تم ان کی زیر سایہ کام کرو گے آسمان سے خدا کی رحمتیں آئے گی اور لوگوں کلمہ پڑھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں چلو سرحد کے پاس چلے سرحد کی طرف چلے یہ سواریوں پر دوڑتے دوڑتے اسلامی لشکر کے تلاش میں نکلے تو فتح باب مسلم کو پایا مسلمانوں کے لشکر کو پایا چیخے مار کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے خدا کا واسطہ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا تمہیں اس نبی کا واسطہ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ اور تم اسلامی ریاست بناؤ ہم تمہارے زیر سایہ کام بھی کریں گے قرآن بھی پڑھیں گے کلمہ بھی پڑھیں گے ایک فوجی نے تلوار نے ہاتھ میں ڈالتے ہوئے پوچھا بتاؤ تمہیں کس چیز نے متاثر کیا کہنے لگے جن کے غلام اتنے اعلیٰ ان کا آقا محمد کتنا اعلیٰ ہوگا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اور میرے عزیزو وہ تو کافروں کے ملک سے خود نکل گئے جب ان کے پاس پیغام پہنچتا ہوگا آج کلمہ پڑھنے والے اس سال اعتکاف کرنے والے مسلمان نے اپنے باپ کے منہ پر تماچا مارا اور ماں کو دھکا دے کے نکال دیا رب کعبہ کی قسم ہے بتاؤ ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی کوئی گھر تو مجھے ایسا دکھاؤ جس گھر کے اندر اولاد کے سکھ سے باپ خوش ہو کوئی اتنا بڑا جگرہ چاہیے جھانکو چھل نہیں پڑا ہے جگر اندر سے داغ داغ ہو چکا یقین جانو جوان چار پتروں نو دیکھ کے 70 سال کا بڑا کہتا اللہ بس ان موت ہی دے دے چار چار بچوں کی بوئیں ایک ساس کو دو روٹیاں نہیں دے سکتی پھر وہ موت نہ مانگے ہو تو کیا مانگے گھر کے اندر جھگڑا ہوا کس بات پر لڑائی ہو گئی 9 لڑکے اپنے گھر چلی گئی میکے چلی گئی دوسری بھی چلی گئی تیسری پنچایت کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے چودھری صاحب فیصلہ کر رہے ہیں کی ہویا چاروں میں کہتی ہیں ہمارے سے ساس کے کپڑے دھوئے نہیں جاتے تو پھر میرے عزیزو بتاؤ اس قوم پہ کرونے نہیں آئیں گے تو اور کیا آئیں گے پڑھو
पड़ोस में जाके सुसर के गिले करती हो, कहती हूँ बुढ़ा खंगदा रहता है, मरदा भी नहीं, जान भी नहीं छड़दा, मेरे मर्द की खसम की कमाई तो सारी इसकी बीमारी पे लगती है, पता मेरे बच्चे क्या करेंगे। और ना ना इस सुसर को अपना बाप समझ, लगा दे अपना जेवर बेच के इसकी दवाई पर लगा, अगर ना इसे धक्के देगी तो पल्ला तेरे बच्चे को भी रेडी लगाने पर मजबूर करेगा। अरे घरों को जन्नत बनाओ, घरों को जहन्नम ना बनाओ, कैसे मुसलमान हो, जलसे हुसैन के करवाते हो और सारा तरीका उसकी माँ की मुखालफत का कर रही हो। करबला के शहीद का वाक्य सुन के चीखे मार मार के रोती हो और उसकी माँ की मुखालफत करते तुम्हें शर्म नहीं आती। चार घर के अफराद ने रोजा रखा हुआ, हसन हुसैन ने, अली पाक ने, फातिमा पाक ने रोजा रखा हुआ, हजरत अली इतना आटा लेके आए कि चार पेड़े बन गए, रोटी तैयार हो गई, चारों के आगे रखी, उधर आवाज आई अफतार कर लो मुसलमान, रोजे का वक़्त हो गया, अफतारी का वक़्त हो गया, हर एक ने पानी के साथ सालन के साथ अपने अपने हिस्से की रोटी खाई, बीबी पाक ने आधी रोटी खाई, आधी दुपट्टे में लपेट के अपनी बगल में दबा ली। अली पाक जी मुझे थोड़ी देर के लिए इजाजत दे, मैं अपने अब्बा के घर से हो हूँ। अतली कहने लगे मैं समझ गया, रोटी बाबे के लिए लेके जा रही है। मैंने कहा फातिमा तुझे कौन रोक सकता है। अते फातिमा गई अब्बा से मुलाकात, घर के बुए दरवाजे पे हुई, फातिमा कहाँ आई, अब्बा जरा अंदर तो चलो। अंदर तशरीफ ले गए, अल्लाह अकबर, अंदर तशरीफ ले गए, अपने पल्ले अपने दामन को खोला, आधी रोटी निकाली, प्लेट में रखी, हाथ की हथेली पर, और दूसरे हाथ की उंगलियों से टुकड़ा थोड़ा बाप के मुंह में डाल दिया। क्या वो मंजर होगा, आसमान के फरिश्ते जब देख रहे होंगे, औरत भी पाक, वो जल्लती औरतों की सरदार, ये नबियों का सरदार, जब बेटी बाप को रोटी लुक में बनो बना के खाती होगी, और ये मंजर याद करके रात को सोते हुए जरा रो के दिखा देना, अल्लाह अकबर, क्या तेरे घर में भी कोई ऐसी बेटी है जो तुझे लुक में बना बना के खिलाए। तेरे घर में भी कोई ऐसा बेटा है जो रात को तेरे खटड़े के साथ चरपाई जोड़ के सोए कि मेरा बाप खांसी का मरीज है, इसे खांसी होती है, ये सारी रात खाऊ खाऊ करता है, इसके गिले कुत्तों की तरह भौंकता बाजारों में फिरता है, और कभी खांसी करते बाप की कमर पे हाथ फेरा। ओ बलजर याद कर, जब छोटा सा था बाजार से चवली ठंडी की टॉफी लाई, तेरे हलक में फंस गई, तेरे बाप के आंसू निकल गए थे, तेरा बाप तुझे उठाए उठाए फिरता था और दो दो तेरी कबर पे हाथ रखे और कहता था पुत्रा तू ते मेनू डरा ही दिता, पुत्रा तू ते मेरी जान निकल दीती, और जब तेरे हलक के अंदर टाफी फसी तेरे बाप की जान निकल गई, और आज तेरे बाप का सांस फंस गया तेरी भी जान निकल गई। बाप बेटी का ये मंजर देख रहा है, बेटी से रंग न गया, बाप की पलके आंखों की गीली हुई और आंसू निकल के रुखसार पे गिरे। बेटी ने रोटी खिलाते पूछा क्यों, खामोश। दूसरा लुकमा मुंह में, खामोश। तीसरा लुकमा, बिलाखिर सैयदा से रहा न गया, काबा जान बता कितने दिल के बाद रोटी खाई, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। हमेशा दुखों में दुआ देने वाला नबी बच्ची से पूछ के रोने लग गया कि बेटी मैं तुझे बाद में बताऊंगा, तू बताते हैं दस्तरखान पे कितने दिन के बाद रोटी आई। सैयदा के हज्जू निकले हो कबर के, कहा अब्बा तीन दिन भूखे गुजर गए, आज एक रोटी मिली। बुरकी वाला तोड़ते तोड़ते अब्बा तू याद आ गया। मैंने कहा फातिमा तूने तीन दिन से रोटी नहीं खाई, तेरे बाप के घर में पता नहीं कितने दिन से चूल्हा जला, अपनी जुला, अब्बा मैं रोटी छोड़ के तेरे पास आ गई। नबूवत ने रोटी चबाते चबाते अपने चेहरे अपने मुंह को रोक दिया और बच्चे
बच्ची के सर पे हाथ रखा, बच्ची खुदा तेरा भला करे अगर आज तू रोटी लेके ना आती तो चौथी रात भी तेरे बाप के बगैर रोटी खाए गुजर जाती। सैयदा रोटी छोड़कर बाप के गले से रख के रोने लग गई, कब मुझे 3 दिल के बाद मिली, आपको 4 दिल के बाद मिली। और मेरा बाप कल पता नहीं मिले या ना मिले, ना मिले तो तू क्या करेगा और मैं क्या करूं। और मैं बेटी अगर तेरे दस्तरखान पे रोटी ना आई तू सबर करना, मेरे घर में ना आई तो मैं सबर करूंगा। अब्बा जान इससे हमारी साथ को फायदा होगा या हुसैन के दादे की उम्मत को भी कोई फायदा होगा। नबुव्वत ने अपने आंखों से आंसू साफ किए, फरमाया बेटी रोटी तुझे ना मिले तू सबर करना, तुझे ना मिले मैं सबर करूंगा। अल्लाह जल्ला शानू हमारे सबर के बदले मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमाएगा। मोहतरम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज कोक का भाई काट कर दिया, इससे मेरे अजीजो अल्लाह की कसम यहूदो नसारा को इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना हुजूर की सीरत अपनाने से नुकसान पहुंचेगा। आज भाई काट कर के दाढ़ी नहीं कटानी, कॉलर वाला कमीज नहीं पहनना, गोर घेरे वाला दामन नहीं पहनना, खुले बाजू वाला मेरे कुर्ता पहनना है, चकोर दामन पहनना है, सलवार टखनों से ऊंची करनी है, चीर मेरे बाघ बिग्गी सज्जी खबी नहीं बल्कि ऊपर की तरफ बाल करने हैं, सर पे टकबड़ी, सर पे टोपी पगड़ी सजा और चेहरे पर सुन्नत रसूल सजानी। अल्लाह की कसम ये एक मुसलमान 1 लाख काफरों पे भारी हो जाएगा, वरना पूरा पाकिस्तान कोक छोड़ दे ठीक है, या तो रुपयों में बिक रही है, अगले मुल्क दूसरे मुल्कों में डॉलर पाउंड में बिक रही है। वो कहता तुम कोक के चक्कर में लगे हुए, हमने खत्म नबूवत की पगड़ी पर हमला कर दिया ठीक है, उनकी प्रोडक्ट का बायकॉट करो, उनका माशी नुकसान होगा। लेकिन मेरे अजीजों उनका माशी नुकसान करते करते अपनी जिंदगियों का तो नुकसान मत करो। आज नियत करो जो हो गया अल्लाह माफ फरमा दे, जो हो गया अल्लाह माफ फरमा दे, जो हो गया अल्लाह माफ फरमा दे। लेकिन आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि मेरी वजह से रोजा अनवर में आमना के लाल के दिल में जरब आ जाए और आंख में आंसू आ जाए। आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिसको देख कर परवरदिगार आलम कोरोना से बड़ा कोरोना दे दे। और मेरे अजीजों आज सारा मजमा सुबह जुमा की रात है, तहज्जुद का वक्त हो रहा है, 2 घंटे बाद फजर की अजानों की आवाज तेरे मेरे कान में गूंजेगी। आज मेरे अजीजों अल्लाह के दरबार में ऐसी माफी मांगो, ऐसी तौबा करके दिखा दो कि अर्श वाला राजी होने में देर न करे। औरतें भी और मर्द भी अपनी जुबान हाल से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, जोर से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मस्जिदें बनाओ भी आबाद करो भी, मदरसे बनाओ भी मदरसों को आबाद करो, तामीर में पैसा खर्च करो मस्जिद को मदरसे को आबाद करने के लिए, अपने आप को अपने बच्चों को सर्व करो। यकीन जानो अगर आपका मेरा बच्चा या मैं और आप, मेरी आपकी बच्ची बीवी घरवाली अम्मा जान अगर अल्लाह की कसम दीन पे खड़ी हो गई और 4 नमाज उसने दीन के पढ़ लिए तो नस्लों के अंदर दीन आ जाएगा, अल्लाह वली पैदा करेगा, अल्लाह गौस कुतुब अब्दाल लेख हाजी हाफिज पैदा करेगा। और मेरी माँ सर से दुपट्टा ना उतार और नाखूनों पे पालिश ना चढ़ा और पैर की जुत्ती भी इस तरह से पहन तेरे पैर के तलवे और ऊपर का हिस्सा छुप जाए, सलवार टखनों से नीचे रख, चेहरा महरम के अलावा किसी गैर महरम को ना दिखा और महरम को भी शर्मा शर्मा के दिखा, फिर अल्लाह तेरी कोक आबाद करेगा। अगर मेरे अजीजों रोने वाली आई तो राबिया मसरिया बनाएगा, हंसने वाला आया तो अब्दुल कादिर जिलानी बनाएगा। मेरे अजीजों अल्लाह गनी, अल्लाह से माफी मांगते हुए अपनी सुबह का आगाज नई जिंदगी का आगाज कि अल्लाह ना नबी का तरीका तोड़ेंगे ना तेरे हुक्मों को छोड़ेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों आज पूरा कुफर कभी मसाजिद पर कभी मदारिस पर, शरबा बनाना आसान, बंगलोज बंगले बनाना आसान, कॉलोनिया बनाना आसान, इस्लामी रियासत के अंदर तुझे मस्जिद बनाने की इजाजत कोई नहीं, मदरसा बनाने की इजाजत कोई नहीं। और मुसलमानों का मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह पर हासिल किया गया, इस मस्जिद में हुकूमत, इस इलाके में, इस मुल्क के अंदर हुकूमत NOC नहीं दे रही, इजाजत नहीं दे रही मस्जिद बनाने की, इजाजत नहीं दे रही मदरसा बनाने की। अगर मदरसा बनाने की इजाजत दे दी तो इजाजत नहीं दे रही मदरसा चलाने की। मेरे अजीजों ये कुफर की साजिशें हैं। देखो मेरे अजीजों हर खानकाह में हर मस्जिद में अगर इमाम राजी तो मौज़िन नाराज, मौज़िन राजी तो खादिम नाराज, खादिम राजी तो मुक्तदी नाराज,
पीर नाराज तो शगिर राजी, मेरे अजीजों मुरीद नाराज तो पीर राजी, हर तरफ चपलिसी चली हुई है मेरे अजीजों अल्लाह के वास्ते। जब तक ये आपस का रोना धोना, आपस का इल्जाम तराशी करना, आपस का एक दूसरे को कसूरवार ठहराना नहीं छोड़ेंगे और हर कोई अपनी गलती को गलती तस्लीम नहीं करेगा तो आसमान से भी रहमत वाले फैसले नहीं आएंगे। और मेरे अजीजों उंगली वहां ना उठाओ, उंगली अपनी जात पे उठाओ और कहो कहीं ना कहीं से मेरे से गलती हुई है, अल्लाह साइया तो मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से सारी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। कह दो आमीन। नियत करते हो इंशाअल्लाह हुजूर अलैहि सलाम की सीरत को अपनाओ। बस आखिरी गुजारिश आप हजरात से, ये आपके इलाके की मस्जिद, मुझे तीसरा साल है, तीसरी मरतबा में आया हूँ दो सालों के अंदर। मस्जिद की इब्तदा छत कोई नहीं थी, दीवारें थी, फिर आया छत बन गई, सैन कोई नहीं था। अब सुना है मस्जिद काफ़ी सारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। कुर्बान जाओ सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने आपके पड़ोस में अपना घर बनाया। और दूसरी बात, ये अपना घर बनाने में और उसकी तामीर में, उस पर माल खर्च करने में अल्लाह ने आपका इंतखाब फरमाया। अमीर हो जाओ तुम शहरों में बनाओ, ये कर गरीबों का गरीब, लेकिन ऐसे भी गरीब नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह की सारी नेमतें। तो मेरे अजीजों पता ही घर कैसे बना, किसी ने खड़े होकर ऐलान नहीं किया था मैं 1 लाख दूंगा, किसी ने खड़े होकर ऐलान नहीं किया। 500-500 के नोट भी आए थे, 100-100 वाले भी आए थे, 10-10 वाले भी आए थे, और जिन्होंने कईयों ने इरादे किए अभी तक उनकी तरफ से कोताही की होगी नहीं आए। अल्लाह का घर बन गया, नमाजें शुरू हो गई, जुमा पढ़ा जा रहा, सारे काम हो जाएगा। अल्लाह इसे एक मरकज बनाएंगे, अल्लाह बहुत बड़े से मरकज बनाएंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। यह मरकज बनेगा अल्लाह के घर के लिए। क्या नाम है मस्जिद का? हाजी यासीन साहब फरमा रहे मरकजी जामा मस्जिद फरूकिया आपके इलाके की मस्जिद है। 5 मिनट आप हजरात से इल्तमास है, इस मस्जिद की तमीर और तरक्की और जरूरत के लिए, आप अल्लाह का घर है, आने वाले मेहमान को परेशानी ना हो, पानी में, वजू खाने में, इस्तंजे खाने में, नमाज में, पंखों के चलने में, जिन्हें किसी किस्म की सुकून से ताकि नमाज पढ़े, उसके नमाज पढ़ने में, उसके आराम में हमारा हिस्सा शामिल हो जाए तो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। 5 मिनट